बहुत अच्छा डांस सिखा रहे थे भाई साहब, चोटी वाले भाई साहब, शानदार डांस सिखाया, मजा आया आपको। लेकिन इनको पता नहीं है ये कोटा के लोग, कोटा के ना चंबल का पानी, यानी ये अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे को डांस सिखा दे। अच्छा एक बात देखिए, आपने यहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी जितने भी लोग थे, सारे के सारे शादीशुदा लोग थे। अब शादीशुदा लोग को क्या डांस सिखाए, वो तो वैसे ही अपनी घर वालों की वजह से दोनों टाइम डांस करते हैं। बहुत बढ़िया माइक, माइक वाला आपका माइक बहुत अच्छा है। अच्छा देखो ये माइक वाले जितने भी हैं, थोड़ी देर में आपके चेहरे पर हंसी लाऊंगा, आपको मुस्कान दूंगा, मेरा करते 5-10 मिनट। ये जितने भी माइक वाले की शादी हुई रात के 2 बजे थी, और ये शादी के जो है शादी हुई रात के 2 बजे थी, और पत्नी के सामने कहे हेलो हेलो माइक पे, हेलो हेलो माइक पे, हेलो हेलो माइक पे। पत्नी ने एक घुमा के दी, चार दो घंटे से माइक की टेस्ट करेगा तो प्रोग्राम भी चालू करेगा, जिसके जितने लगन। अच्छे आप तो भाग बीज वाले हो, ये जितने मतलब गेहूं की बोरिया वगैरह मंडी वाले हो। अच्छा एक मंडी वाले की हमारे यहाँ की शादी हुई, अब रात की 2 बजे वही 2 क्विंटल 3 क्विंटल पत्नी ने वापस वही प्रोग्राम शुरू कर दिया। अबे मैं बहुत बोरी नहीं हूँ, तेरी पत्नी हूँ, बहुत गजब का है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस शानदार माहौल को प्रणाम करता हूँ, हॉल को प्रणाम करता हूँ, हेलोजन लाइट को प्रणाम करता हूँ, माइक को प्रणाम करता हूँ, कुर्सियों को प्रणाम करता हूँ, इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोडेटा नॉन कोडेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, नर नारी देव दानव दायन चुड़ैल भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम करता हूँ, और राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भवनी और उसके चहेत को भवरों को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए उनके अंदर विजय विराजे हुए आसाराम जी बापू और उनके सेवादारों को प्रणाम करता हूँ। देखो भैया आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप तो बड़े भाग्य वाले लोग हो, लक्की लोग, मेरे जैसा आदमी भाग्य वाला किसी ने देखा ही नहीं होगा आज तक। मैं इतना लकी आदमी हूँ, इतना लकी आदमी हूँ कि पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था। मेरा लक्का प्रभाव देखो, भगवान कसम जिस जिसके बीमे की ये सबके पास हुए। अच्छा मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई। मेरा लगता प्रभाव देखो, आज तक जिस जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। अच्छा लड़की आदमी इतना मुंबई चला गया एक सेठ के वहां, मैं कहा सेठ मुझे नौकरी पे रखो, बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, लेकिन मैंने सुना है तू लड़की आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, क्योंकि तेरे आने के बाद मेरे दुकान की बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा व्हाई नॉट, बिक्री तो बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ, बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका, लास्ट टाइम जब आया दोनों पिटनिया बिकवा कर आया। तो इतना लड़की आदमी होटल में आया तो यहाँ भी तुमने कुछ ही। अच्छा मेरे को जैसे काम धंधा खाली जैसे घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था तो भूखा प्यासा बेहोश होकर भी गिर गया है अंदर। मुझे नहीं पता किसी मुर्गी खाना था, मुर्गी खाने का मैनेजर बाहर आए थे, यहाँ क्यों पड़ा है, जो मेरी नौकरी नहीं है आप सब मुझे भगा देते मेरे लक की वजह से, क्योंकि तू मेरे यहाँ नौकरी कर, लेकिन तेरे आने के बाद मेरी जितनी भी मुर्गियां हैं दो दो अंडे देनी चाहिए। मैंने कहा व्हाई नॉट, दो दो अंडे दे दी, मैं लड़की आदमी आ गया हूँ। मैंने सभी मुर्गियों की मीटिंग बोली है, मुर्गियों इधर आओ, पीली वाली तू भी इधर आ, काली वाली इधर आ। मैंने कहा देखो कल से दो दो अंडे दे, अगर नहीं दिए तो चिकन फ्राई। अगले दिन सब डर गए, सबने दो दो दिए, एक ने एक दिया। मैंने कहा एक अंडा कितने दिया, तो चार पांच मुर्गियां पड़ गए। नहीं सर हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, ये पीली वाली ने दिया, कलंगी वाली ने। मैं क्योंकि मुर्गी मैंने कल कहा था ना दो अंडे देना, फिर एक अंडा काय को दिया,
वो बोले सर ये तो आपकी धमकी थी जो दो अंडे दे दिए, बाकी मैं तो मुर्गा हूं। तो ये मुर्गा नहीं है, अंडे देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं तो बड़ा बदकिस्मत आदमी हूँ, पिछले वैलेंटाइन डे पर फूल लेकर गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया, लड़की बोली भैया कितने का है? मैं कोई कुछ भी विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्यार का इजहार है। लड़की बोली बदल से दे, बुद्धत का लेकर तेरा जीजा भेजे नहीं तैयार। अरे ये वैलेंटाइन डे पर गजब था, वैलेंटाइन डे पर पिछले वैलेंटाइन पर एक लड़का फूल लेकर निकला, उसको कोई नहीं मिला, मेरे कोई क्या नहीं मिला, उसको तो फूल ही नहीं मिला खत्म। अब वो चंदन स्टोर से नकली प्लास्टिक का फूल लाया, इधर उधर घूमे, देख के कोई मिले नहीं, कोई मिले नहीं, सामने से वो ताली बजाने वाला आ रहा, वो मिल गया। वो उसके पास गया और जाके बोले ये ले, उसने हीरे ने लिया सूंघा और बोले ये नकली है। वो बोले नकली ना, तू कौन सा असली है? अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा। मुझे लगता है सभी शादीशुदा लोग। अच्छा मैं तो अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ, मैं उसे लेकर चला गया ससुराल। मैंने कहा ससुर जी ये आपकी बेटी है जो बिजली का उपकरण, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट है। तो मेरे ससुर ने मेरी सास की तरफ इशारा किया, बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बेटा, ये प्रॉब्लम इस कंपनी से डिफॉल्ट है। अच्छा एक बार तो मैंने अपनी पत्नी को गुर्रा कर पूछा कि बता मेरे बगैर तेरी औकात क्या है? तो मेरी पत्नी ने कहा पहले ये बताओ आपको इसमें बड़ी बात क्या है, आप नहीं होते तो कोई और होता, जहाँ आप रो रहे हो वहाँ कोई और होता, और कुछ बातें हफ्ते हफ्ते में अच्छी कह जाऊँ तो उसके लिए भी ताली बजाना कि ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीतती हमेशा नारी है, अरे सांवलिया सेठ प्रभु द्वारी का दीश के 56 लोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक तुलसी। मेरा तो मानना है आजकल बच्चे पहले ही नहीं होते, सीधे बाप पे जाओ। अरे बच्चे इतने खतरनाक, मेरा 8 साल का बच्चा है, एक बार रात को नींद नहीं आ रही थी, रात की 2 बजे टीवी चैनल चेंज कर रहा था तो 22 नंबर चैनल लग गया। हमारे यहाँ 22 नंबर चैनल वो होता है जिसको म्यूट करके देखना पड़ता है, गलती से लग गया, मैं देख रहा था, इतने में मेरा बच्चा उठ गया कि पापा क्या कर रहा हो? मैंने रिमोट ढूंढा, लेकिन रिमोट की तकी नहीं मिले, घुस गया मिल नहीं। वो बोले पापा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, मैं देश की गरीबी देख रहा हूँ, देख हमारे देश में कितनी गरीबी है, इनको पहनने को बेचारियों को कपड़े भी मिल रहे। तो बेटा आज का एडवांस, वो बोला पापा अभी तो मैं सो रहा हूँ, इनसे भी कोई और गरीब आ जाए तो मेरे को भी उठा दे। सोमवार को नजर मिली, मंगलवार को दिल मिला, बुधवार को इजहार की किया जब से, गुरुवार को निकले पिज्जा हट के, शुक्रवार को खुल गई पोल, जब ले गई हमको शॉपिंग मॉल, शनिवार को निकल गया प्यार का दिवाला, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ साथ जेबों को खाली कर डाला, रविवार को फिर मिली उसी चौराहे पर, हमने कहा मैडम कमोन, वो खड़ी रही मोन, हमने फिर कहा मैडम कमोन, वो फिर खड़ी रही मोन, जैसे ही हमने तीसरी बार कहा मैडम कमोन, वो पलट के बोली भैया आप कौन? ये प्यार है कि टपते हैं इश्क में, हीर राजे यूं अमर नहीं होते, उड़ते आसमान में मगर उनके पर नहीं होते, अरे मोहब्बत को मोबाइल की तरह बदलने वालों सुनो, ये दिल के डाटा है जो ब्लूटूथ से ट्रांसफर नहीं होते, ये दिल के डाटा है जो ब्लूटूथ से। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, फिर मौका मिला।